Hello students, this is Ashish Jain. In this video lecture, we will discuss how to create a form with the help of HTML. See, you have filled various kinds of form in your life, like during the admission process or whenever you apply for your job. So, how all these forms created in website. So देखिए यहाँ पर हम देखेंगे HTML के थ्रू how to create a form. Let me show you the output first. मैं output पहले आपको सिखा रहा हूँ कि because आपको एक idea हो जाएगा that what we are going to do actually. So this is a basic form. Like heading is given to you, name, age, date of birth. Sex, that is male and female, favorite color, purchase products from our site. These are the old products, shirts, t-shirt, trouser and others. So how to, this is a basic form. Now we will see how to create this kind of form. So let's start. So first start with the HTML tag. HTML, then head, title. Let's give title name, that is forms. Close title tag, close head tag, and then start with body tag. देखिए जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा था कि टेबल जैसे क्रिएट करते हैं तो हम टेबल का टैग ओपन करते थे, ऐसे ही हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ये देखिए यहाँ पर आपको क्या गिवन है, हम फॉर्म्स का देखिए टैग ओपन करेंगे. बट बिफोर दी फॉर्म यहाँ पर देखिए आपको हेडिंग गिवन है. हेडिंग जैसे हम देखा था, हेडिंग देखिए तीन टाइप की होती है, H1, H2, H3, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये काफ़ी मिड साइज में लिखा हुआ है, सो लेकिन यहाँ पर H3 यूज़ करेंगे. अलाइन equal to center and this is written in italic form, so italic type we use kar lete hain. So likha hai please fill this form to help us serve you better. This is the heading. So first close italic tag, that is I, and then close H3 tag. Now start with form. So उसके लिए form tag open करेंगे, ठीक है. अब देखिए form में हम enter गए, यहाँ पर देखिए first form में क्या लिखा हुआ है, name. अब name देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर जब भी स्टार्ट कर देखिए कि बोल्ड में लिखा हुआ है, ठीक है. बोल्ड में लिखने के बाद ये नेम है, फिर उसके बाद सेमी कॉलन है, उसके बाद देखिए ये बॉक्स है, इसको बोलते हैं एक तरह का एक इनपुट हमें देना है पर, ठीक है. इनपुट किस में देखा जाएगा, नेम किस में आता है आपका, अल्फाबेट में. तो यहाँ पर आपको जो इनपुट टाइप जो हो जाएगा आपका, दैट इज टेक्स्ट, ठीक है. तो देखिए कैसे करेंगे, पी बिकॉज न्यू पैराग्राफ है, पी बोल्ड नेम सेमी कॉलन, फिर है आपका इनपुट, ठीक है. इनपुट देना है, इनपुट टाइप क्या आपका, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है. टेक्स्ट के बाद यहाँ पर देखिए आपको नेम लिखा हुआ है. जैसे आप देखिए कई बार आप जब फिल देते हो तो आपको यहाँ पर देखता है कि आपको बताता है कि आपको टेक्स्ट फिल में क्या फिल करना है, That is name, ठीक है. तो यहाँ पे देखेंगे वैल्यू इक्वल टू नेम, वैल्यू इक्वल टू नेम. अब जैसे लेंथ भी, जैसे नाम काफ़ी किसका छोटा होता है किसका बड़ा होता है, सो हम लेते हैं लाइक मैक्स लेंथ, मैक्सिमम लेंथ दैट इज इक्वल टू सपोज 13. ये आपका इनपुट टैग फिनिश हो गया. अब हमें फर्स्ट क्लोज करना है बोल्ड टैग, एंड देन we will close
पैराग्राफ टैग, ठीक है। नाउ स्टार्ट विद अनदर पैराग्राफ, पी बोल्ड, एज, सेम इनपुट टाइप। अब देखिए ऊपर जो इनपुट टाइप था आपका किस में था, टेक्स्ट में था, अब यहाँ पर आपको किस में आएगा, इन नंबर न्यूमेरिकल्स में आएगा आपका, सो इनपुट टाइप वुड बी इक्वल टू नंबर, दैट्स इट। नाउ क्लोज फर्स्ट बोल्ड टैग एंड देन क्लोज पैराग्राफ टैग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, देखिए आपका किस में गिवन ऐसा है, क्या गिवन आपको, डेट ऑफ बर्थ, सो वही देखिए पी, फिर बी आपका लिखा है यहाँ पर, देखिए डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और यहाँ पर इनपुट टाइप क्या होगा, देखिए यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू होगा आपका डेट, डेट क्यों, जैसे देखिए जब आप डेट लागू तो यहाँ पर लिखा होगा, देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर पहले आपको डेट मेंशन करना है, देन मंथ, देन ईयर, ठीक है। तो इसलिए इनपुट टाइप क्या होगा आपका, डेट। सो क्लोज हो गया आपका ये, अब फर्स्ट बोल्ड टैग क्लोज करेंगे एंड देन पैराग्राफ, ठीक है। हमारा यहाँ तक हो चुका है, इसके बाद देखिए अब तो सिंपल सिंपल है। अब अगेन नेक्स्ट पैराग्राफ बोल्ड, अब आगे लिखा है आपका सेक्स। अब देखिए यहाँ पर ये मेल फीमेल आपका नेक्स्ट में लिखा हुआ है, तो हम क्या यूज करेंगे, एंटर नहीं करते यहाँ पर, हम क्या करेंगे बी आर, दैट इज फॉर ब्रेक लाइन, ठीक है। लिखेंगे मेल, देखिए अब तक ये सब बोल्ड में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने बोल्ड टैग मैंने क्लोज नहीं किया, सो मेल। मेल के बाद देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, एक रेडियो बटन गिवन है वो, ठीक है। यहाँ पर आपको फिर से देना पड़ेगा इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, ठीक है। इसके बाद इसको क्लोज करेंगे, सॉरी, उसके बाद हम नेक्स्ट है दैट इज फीमेल, इसी लाइन में है फीमेल, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, और यहाँ पर हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, बोल्ड क्लोज करेंगे, ठीक है, और फिर पैराग्राफ क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये अब तक हमारा हो गया, नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे बोल्ड, क्या लिखा है यहाँ पर, फेवरेट कलर, फेवरेट कलर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनपुट टाइप क्या रहेगा, कलर, इनपुट टाइप इक्वल टू कलर, जब आप इसका रियल जब आउटपुट देखोगे तो उसमें कलर के ऑप्शन नजर आएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट क्लोज करेंगे बोल्ड एंड देन क्लोज पैराग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ बोल्ड, क्या लिखा देखिए, परचेज्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम आर साइट, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में है तो हम क्या यूज करेंगे, बी आर, बी आर हमने यूज कर लिया, उसका गिवन आपको ठीक है शर्ट्स लिखा है, शर्ट्स, अभी क्या लिखा है देखिए, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, चेक बॉक्स इक्वल टू चेक बॉक्स, ठीक है। इसके बाद है आपका टी शर्ट्स, अगेन इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, देन ट्राउजर्स इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, देन अदर्स
अब यहाँ पर देखिए चेकबुक्स नहीं है, चेकबुक्स नहीं, आपको एक टेक्स्ट एरिया गिवन है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब टेक्स्ट एरिया कुछ स्पेस देते हैं, जैसे रोज देते हैं हम 3, ठीक है, 3 रो हमने दे दिए, कॉलम हमने दिए सपोज 10, क्लोज करेंगे। और इसके अंदर जो टेक्स्ट है वहाँ पर उनको स्पेसिफाई कर देंगे कि प्लीज स्पेसिफाई, जैसे लिखा है प्लीज स्पेसिफाई द आइटम्स, दैट मीन्स जो यहाँ पर प्रोडक्ट मेंशन नहीं है उसके अलावा कोई और परचेज की आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो बस टेक्स्ट एरिया पहले जो टैग ओपन किया था उसको क्लोज करेंगे। फिर बोल्ड एंड देन पैराग्राफ, बस हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। तो फॉर्म टैग जो है क्लोज करेंगे, देन बॉडी एंड देन HTML। नाउ प्रेस कंट्रोल प्लस एस, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ एज फॉर्म्स डॉट HTML, सेव एज टाइप दैट इज ऑल टाइप्स ऑल फाइल्स सेव। सो मैंने देखिए यहाँ पर इसको सेव कर दिया है, लेट्स क्लोज दिस। ये रही मेरी फाइल्स, राइट क्लिक, ओपन विद गूगल क्रोम, दिस इज द फाइल, ठीक है। और देखिए कुछ अगर आप देखो कि कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं, आप देखो यहाँ पर पहले देखिए हेडिंग लिखे प्लीज फिल अप दिस फॉर्म टू सर्वे दिस, नेम आ गया आप पर, एज आ गया, ठीक है, एंड डेट ऑफ बर्थ देखिए यहाँ पर इनपुट टाइप मिला था हमें डेट, तो डेट मेंशन हुआ आपका। सेक्स में देखिए आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, मेल फीमेल, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए फेवरेट कलर, देखिए कलर आ रहा है आपका, देखिए यहाँ पर इनपुट टाइप मिला था हमने कलर, तो आप कोई भी कलर और जो है चूज कर सकते हो। देखिए यार काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। परचेज प्रोडक्ट्स वगैरह आपका ये आ गया आपका, ठीक है, किसी भी टिक कर सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ गलत, यहाँ पर अच्छा ये हमने क्लोज नहीं किया इसको, सॉरी, कंट्रोल प्लस एस एंड देन रिफ्रेश दिस। अच्छा बोल्ड टैग हमने ठीक से क्लोज नहीं किया था, अच्छा टेक्स्ट एरिया का कि इक्वल टू नहीं आ रहा है, सॉरी टेक्स्ट एरिया का कि इक्वल टू नहीं आ रहा। नाउ प्रेस कंट्रोल प्लस एस एंड देन रिफ्रेश दिस। अब देखिए यहाँ पर आपका एक टेक्स्ट एरिया ओपन हो चुका है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर अगर मान लीजिए एक फॉर्म्स में वो गिवन है कि मान लीजिए कोई सेक्स है, इसे ऑलरेडी जो है आपका टिक है या ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे कर सकते हो उसको, फिर आप जैसे मान लीजिए फीमेल है, ठीक है, जैसे लिखा है रेडियो टाइप इक्वल टू रेडियो है, और फिर मैं यहाँ पर सपोज यहाँ लिख दूँ सपोज चेक्ड इक्वल टू चेक्ड। अब देखिए जैसे मैं करूँगा कंट्रोल प्लस एस एंड देन रिफ्रेश करूँगा, तो देखिए फीमेल पे ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा, ये देखिए ये फीमेल पे देखिए ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया। ऐसे यहाँ पर देखिए आप मान लीजिए जैसे मैंने शर्ट्स पे, मैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि शर्ट्स पे यहाँ पर मैं कर सकता हूँ चेक्ड इक्वल टू चेक्ड,
यहाँ पर देखिए, कंट्रोल प्लस एस एंड देन रिफ्रेश दिस, ये देखिए ऑलरेडी टिक हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप कैसे भी कर सकते, जैसे आपको जो भी क्वेश्चन में जैसा गिवन होगा आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक फॉर्म दैट वी क्रिएट विद द हेल्प ऑफ HTML। आगे हम और भी अच्छा एग्जांपल करेंगे, बट ये बेसिक था। ठीक है, सो इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।